तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। ये उदाहरण मान लेते हैं हम कि जैसलमेर का तीसरा साका कब हुआ, 1550 को लून करन वर्सेज अमीर अली ने अटैक किया तो जीत गया अमीर अली और यहाँ पर अर्ध साका हुआ। और साका क्या होता है, केसरिया और जौहर दोनों मिल जाते हैं तो साका हो जाता है, लेकिन यहाँ पर केसरिया हुआ, जौहर नहीं हो पाया महिलाओं के द्वारा। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, इसमें क्वेश्चन ये बनेगा पहला कि जैसलमेर का तीसरा साका कब हुआ, तो आंसर होगा आपका 1550। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि जैसलमेर का तीसरा साका किसके शासनकाल में हुआ, तो लूणकरण के शासनकाल में। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि राजस्थान में अर्ध साका किस रियासत में हुआ, तो जैसलमेर में।